खेल मंत्री अनिल विज ने पत्रकारों से बात करते हुए दो बड़ी घोषणाएं कर दी। 22 कॉमनवेल्थ खिलाड़ियों को बिना राशि काटे इनाम देने की बात करते हुए विज ने कहा कि वो इसकी फाइल बनाकर जल्द ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भेजेंगे और उन्हें इसके लिए मनाएंगे। विज ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी हमारी आन बान शान और सम्मान है। वहीं अनिल विज ने कहा कि पिछली सरकारों और बीजेपी सरकार में अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीत चुके हरियाणा के 207 खिलाड़ियों को इसी महीने आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट देने की भी घोषणा की। हरियाणा के खिलाड़ियों के सम्मान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। हरियाणा के खिलाड़ी हमारी आन बान शान और सम्मान है। हरियाणा के खिलाड़ियों को जो कॉमनवेल्थ से प्राइज लेकर आए, 22 के 22 खिलाड़ियों को बिना कोई राशि काटे इनाम दिया जाएगा। मैं जल्दी फाइल बनाकर मुख्यमंत्री जी के पास भेज रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं मुख्यमंत्री जी को इसके लिए मना लूँगा। जो खिलाड़ियों को नौकरी देने की बात थी वो फाइल भी मुख्यमंत्री जी से क्लियर होके हमारे पास आ गई है। 207 हमारे पास एप्लीकेशनें आई हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि 207 खिलाड़ियों को नौकरी की अपॉइंटमेंट लेटर का काम इस मास के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा। हम अखबार में ज्ञापन देने जा रहे हैं कि 50 साल की उम्र तक का कोई भी व्यक्ति जो इन शर्तों को पूरा करता होगा वो अप्लाई कर सकता है और उनको भी नौकरी दी जाएगी। जो ओलंपिक में गोल्ड जीत कर आएगा उसको हम SCS बनाएंगे 8 साल की सीनियोरिटी के साथ, ताकि वो जल्दी ही IAS अफसर भी बन जाए।